22 जनवरी को अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहले नवरात्रि और रामनवमी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मिर्जापुर विंध्यावासिनी माता के महंत से जब खास बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में एक खुशी का माहौल है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए हैं। कई वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में विराजमान हुए, लोगों में खुशी का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा होने को लेकर कई वर्षों का इंतजार किया गया था और इस वर्ष रामनवमी के शुभ अवसर पर धूमधाम से अयोध्या में श्री राम जी के जन्मभूमि पर रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे भारत में देखते हुए हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। हम लोग को बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर भगवान राम का 500 साल के बाद जो है भगवान राम का मंदिर भव्य बना, उसका भव्य उद्घाटन हुआ। हम भी गए थे दर्शन करने के भगवान, बहुत भीड़ चल रहा है। भारत के कोने कोने से लोग वहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं, भगवान राम पद को दर्शन कर रहे हैं। कैसा माहौल है सर? बहुत बढ़िया माहौल है। अयोध्या पहले जो अयोध्या गए होंगे, अब के अयोध्या जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ प्रशासन व्यवस्था को लेकर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। प्रशासन की और कुछ लोग संस्था अपना वहाँ पर कोई प्रसाद बांट रहे हैं, कोई अन्य क्षेत्र खोला है, कोई स्वेटर बांट रहा है, कोई कपड़ा बांट रहा है। बाहर से प्रकृति से बहुत आए थे। और इस बार हम लोगों ने 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जब भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था, उस समय हम लोगों ने यहाँ पर एक सप्ताह पूरे जो है खुशी और हर्षोल्लास के साथ कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम आ रहे हैं, यहाँ पर डेली यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और और इस बार भी जो है भगवान राम के पश्चिम में माँ का नवरात्रि तो है ही, लेकिन भगवान राम की जो है रामनवमी वाले दिन भी यहाँ पर माँ का श्रृंगार और दीप से जो है मंदिर को थोड़ा सजाया जाएगा, क्योंकि नवरात्र का समय है इसलिए कम दूर पर जलाया जाएगा और यहाँ पर धूमधाम किया जाएगा। नवरात्र में आज जो है सप्तमी प्रारंभ अष्टमी हो गया है और यहाँ पर आज चार लाख लोग दर्शन और पर डे 4 से 5 लाख लोग माँ का दर्शन करने आ रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।